नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। क्या आप जानते हो कौन सा पाकिस्तानी में सबसे ज्यादा शॉक तमीज एंग्री इंस्पायर जैसे थंबनेल लगाता है, जो अपने आप को सबसे बड़ा शांति दूत मानता है, अपनी चलाता है इमरान के बारे में सही सुनते ही भड़क जाता है, जिनकी वीडियोस दिन में 8 से लेकर 10 बार आते हैं। आपको पता है जो आरजू काजमी जिन्हें यूथिया कहती है उनमें से एक बड़ा यूथिया कौन है? तो लीजिए, यूथियों में यूथिया सबसे बड़ा बिगेस्ट हिपोक्रेट और प्रोपोगेंडा के राजा फारिस जावेद, जिनका चैनल है रिएक्शन टाइम एंड PNMM। साथ ही मेरी बातें सुनते के साथ ही बहुत से यूथिया निकल कर आ जाएंगे और बोलेंगे राकी एजेंट। वैसे हम सब इंडियन को पता है कि मीठा बोलने वाला काफी खतरनाक होता है, पर ये उसका इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा में करता है। Shut up, I'm sorry. I mean, shut up. यार, जब मैंने इधर चैनल बनाया था ना, तो मेरा इसमें जो एक आप कह लो कि एक मेन गोल जो था वो था कि नफरतें कम हो, हेट कम हो, जो दूरियां है वो कम हो और चीजें बिल्कुल जो है ना वो जरा नॉर्मल। वैसे तो ये अपने इन्फो में लिखता है कि ये पॉजिटिव रिएक्शन देता है, पर आप इसका रिएक्शन देखोगे महसूस करोगे कि ये कुछ तो गलत बोल गया। ये जितने हेटर्स हैं भाई, आपका भाई बहुत न्यूट्रल होकर सोचता है चीजें। वजह उसका रीजन पता क्या है? मैंने कुछ पाकिस्तान की न्यूज़ें देखनी होती हैं, कुछ इंडिया की न्यूज़ें देखनी होती हैं, फिर पाकिस्तान की इसलिए देखता हूं कि अपना कोई बात तो कर सकूं, कुछ बता तो सकूं आपको डिफेंस के लिए, समझ रहे हो, जिसकी वजह से मैं न्यूट्रल रहता हूँ। वो आता ना सोशल मीडिया आपको चलाता है, तो ये रीजन है। नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, नॉर्मली लोग एक ही साइड की वो देख रहे होते हैं और पागल हुए थे लोग। तू तालिबान बन गया, तू तालिबान बन चुका है, मैं बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ, आज सुन ली भाई, ठीक है। मैं चीज को भाई इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैं चीज को जो समझता हूँ ना, उसका जो एक उसकी जो तरीका होता है, मैं वो चीज काफी हद तक उसको समझ लेता हूँ कि ये बात कहाँ जा रही है, ठीक है। अगर आप न्यूट्रल हो, दोनों तरफ की न्यूज देखते हो, तो अपने आप को डिफेंस क्यों करते हो? आप कम पढ़े लिखे हो, ठीक है, पर चीजों को समझने से नहीं सोच से प्रूफ की जाती है। और आगे वीडियो में देखें, आपको तालिबानी इसलिए कहा जाता है। रशिया वो दर्द हुआ, कहो जी अफगान, वो अमेरिका सुपर पावर है, हम है सुपर पावर, ये देखो अफगानिस्तान को भी हम कब्जा करने जा रहे हैं, ठीक है। उसको क्या जरूरत है अफगानिस्तान के अंदर घुसने की, जो मर्जी वो कर रहे हैं, वो मामा लगा हुआ है। ये तेरे दर्द की वजह से सारा काम, ये जो दर्द है ना, दर्द में पैराडोल की गोली खाए। बांग्लादेश में जो मसला हुआ, क्या जरूरत थी इंडिया को जाने की, मुक्ति बनी बनाने की, दर्द तेरे वाला दर्द, ये दर्द में पैराडोल की गोली खाए। ये दर्द जिधर हो रहा है उसको होने दे, उस दर्द को, वो दर्द होने दे, उसकी पैराडोल की गोली खा के चुप करें, आराम करें, उनका जो काम है उनको करने दिया जाए। आपने कहा कि रशिया और अमेरिका अफगानिस्तान में क्यों घुसे, शायद आपके इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता। और अमेरिका का साथ किसने दिया, आप भूल गए या सिर्फ दूसरों को बोलो, अपने आप को नहीं। आपने कहा इंडिया को क्या जरूरत थी मुक्ति वाहिनी बनाने की, तो मैं कहती हूँ आपने लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात क्यों नहीं की, और जरा आप बताना तालिबान को बनाया और मदद किसने की। What is your problem? ये है कि आप पाकिस्तान का कभी नाम नहीं लेते, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो। आप मानते ही नहीं हो कि आपका देश तकलीफ में है और भारत में गलत गतिविधियों में लिप्त है। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? और आप प्रोपोगेंडा कैसे करते हो, तो ये देखिए। ये अजीबो गरीब किस्म की मतलब के ये सोच है। ये बिल्कुल सही उन खान साहब ने बात निकाली कि ये जो दर्द है, ये क्या दर्द है यार, ये खुदा का नाम है, इसके ऊपर आप लोग पूरा इंसानियत तबाह करते चल टूट जाते हो। आपके हिसाब से सिर्फ इमरान खान सही है और जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहे वो भी सही है, और जो इमरान तालिबान के लिए मांग रहे हैं वो भी सही है। पता मुझे, मैं तेज बोल रहा हूँ लेकिन माजरत, वो एक भाई कहते हैं अंदर का पंजाबी निकल आता बाहर आपके फर्ज भाई, ये पंजाबी नहीं, मुझे इसका दुख बड़ा इन चीजों का यार। मैं इन चीजों को जब देखता हूँ ना, मुझे दुख बड़ा होता है। जो जो अंदर कुर रहा है कमरे में, जो किसी के घर में कोई तंग करता है, कोई जाके किसी के घर में कोई घुसता है, अंदर जो मर्जी कर रहे हो, नहीं होता कोई बहुत इलीगल के बाहर किसी को तकलीफ हुई है ना, उन्हें कहते बाहर वाले बंदे को पत्थर मारता है, फिर बंदा कहता है कि हाँ भाई तू की है,
जो अंदर हो रहा है उसको होने दो, बाढ़ में जाए जो चीज वो कर रहा है उसके आगे आ जाना खुद। ठीक है, आ जाता है गुस्सा पर आप रिएक्शन रिकॉर्ड करते हो, आप इसे दोबारा सिर्फ रिएक्शन वाला पार्ट फिर से दे सकते थे, एडिट कर सकते थे। आपके हर वीडियो में काफी कट होता है, आपने जानबूझकर ये रखा था कि आपका एजेंडा चले। आपने जो घर बार की बात की है, तो जो पाकिस्तान हमारे कश्मीर में कर रहा है वो क्या है, इसे हिंदी में दोगलापन और इंग्लिश में हिपोक्रेसी कहते हैं। स्कूल में एक बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में, हाँ। एक बच्चा कम नंबर आते हैं, हाँ। अब वो दर्द, उसको दर्द हो गया, अब वो तो उसको सर पाड़े, होगा दर्द तेरे थ्योरी के मुताबिक, वो उसका सर फाड़ते जो फर्स्ट आ रहा है सर पाड़े, तो ये यही तो हो रहा है। अगर मैंने वो बात कही है कि ये क्या थ्योरी है, कि ये क्या करना है और वो क्यों कर रहे हैं, मैं वो थ्योरी कह रहा हूं। गलत है कौन सी थ्योरी? ये जो थ्योरी दर्द वाली थ्योरी सही है, गलत है यार, नहीं होना चाहिए। बाकी होता है लेकिन इनको रिएक्शन नहीं करना चाहिए। होती है, मैं ये मानता हूँ जालसी होती है, और ये कैसे आ गया, होती होगी, तुम इसमें एक्शन लेने शुरू कर दी है, ये गलत है। हम अब बच्चा है क्लास, जो चीज की पावर है वो यूज करेगा यार। यूनिवर्सिटी में बच्चे है, क्लास में 50 बच्चे हैं, अब जो फर्स्ट आ रहा है तो जो बेचारा जिसे घट नंबर आ रहे हैं उन्होंने दर्द हो रहा है, वो दर्द जो उधर सर पड़े उन कुछ लोग पाड़ देते हैं। सही है, गलत है क्या? हाँ नहीं, गलत है। बस ये मेरा पॉइंट है कि ये गलत है, ये कहीं भी जो भी हो रहा है। आपकी थ्योरी सही है, पर जब दुनिया चलती है तो थ्योरी नहीं, जियो पॉलिटिक्स और अपने इंटरेस्ट को देखती है। स्कूल कॉलेज की बातें सुना सकते हो पर लागू नहीं होती आपके पब्लिक रिएक्शन पर। आप लोगों की बातें सुनकर लगता है आप लोग कौन सी दुनिया में रहते हो। आप हो सकता है ये वीडियो अभी ना देखो, मेरा चैनल बहुत छोटा है, सब्सक्राइबर ना के बराबर है, पर आपकी है हिपोक्रेसी और प्रोपोगेंडा देखकर कमेंट करती थी पर आपने ध्यान नहीं दिया, डिलीट किया और लास्ट में ब्लॉक किया। आपके उधर यही चल रहा है, ये मेरी आखिरी वीडियो नहीं है। जब आप अपनी हरकत करोगे पहले जाओगे। हाँ मैं अकेली हूँ पर हमारे इतिहास ने हमेशा सिखाया है शुरुआत करनी पड़ती, फिर एक एक करके लोग जुड़ेंगे। अभी मैं जवाब दे रही हूँ, फिर हम सब जवाब देंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।